जी 2017 में जो इन्होंने एक लहर चलाई थी हिंदुत्व को लेकर कि मैं हिंदुओं के हक की लड़ाई लड़ूंगा, हिंदुओं के साथ रहूंगा, उस बात को यहाँ के हिंदुओं ने माना भी था, सब लोगों ने उनको वोट किया था और विधायक बनाया था। 5 साल उन्होंने यहाँ की राजनीति भी की, यहाँ जो उनके तरफ से हो सका वो काम भी उन्होंने किया, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही जो उनका एक हिंदुत्व का वो होता है इस तरीके से अपने बीच में लेके आए, लोगों के साथ गाली गलौज बदतमीजी करना, लोगों को अपशब्द कहना, इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ की जनता बहुत होशियार है, इस तरह के बयानबाजी को कभी लेती नहीं है, नजरअंदाज करती है और जो उसे करना होता है वो करती है। चलिए ठीक है दीपक, आपका रुख करूं उससे पहले बस्ती से पारस नाथ मौर्य मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, धरातल पर मौजूद, ग्राउंड जीरो पर मौजूद, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। बस्ती में किस तरह का माहौल देखने के लिए मिल रहा है पारस? जी बस्ती में ये पांच विधानसभा है, पांच विधानसभाओं को लेकर और अपने अपने घरों से निकल करके मतदान आ रहे हैं, जैसे हम मतदान केंद्र खड़े हुए हैं 400 प्रत्याशी, यहाँ 4 मतदान